एनआईएस के डीएलएड की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। सारे शिक्षकों ने आज स्टडी सेंटर पर किया हंगामा। क्या है हंगामा, किस टाइप का हंगामा है, किस टाइप से किया गया, क्या बात थी, पूरी बात तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले, बशर्ते वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी को स्वागत करते हैं। यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड के नाम से जानी जाती है। वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे टीचर जो एनआईएस से कर रहे हैं, उनके लिए आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या है बड़ी खबर, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। शिक्षकों ने डीएलएड के स्टडी सेंटर पर हंगामा, डीएलएड के जो स्टडी सेंटर था उस पर शिक्षकों ने किया हंगामा। आज का हमारा जो टॉपिक से हंगामा को लेकर है, क्या हुआ है इस चीज़ को, पूरा मामला कैसे हुआ, क्या क्या नोक झोंक हुई, इन सारे बातों की जानकारी मिलेंगे आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा। और चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आज जो है आपके पास आ रही है। यह खबर जो है बिहार से निकल के आ रही है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर टाइटल आप देख पा रहे होंगे, डीलेट के स्टडी सेंटर पर हंगामा। तो चलिए पूरा मामला को देखते हैं। यह जो है जागरण की ओर से निकली हुई है, जागरण न्यूज़पेपर में, उसके माध्यम से यह जानकारी आपको दी जा रही है। तो चलिए पूरा मामला को देखते हैं और डिस्कशन निकालते हैं, इसका निष्कर्षण कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या यह हंगामा हुआ, क्या यह सही में टीचर्स का गलती था या स्टडी सेंटर का गलती था, क्या था पूरा हम लोग मामला यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जूनर छपरा बालिका उच्च विद्यालय सहित कई स्टडी सेंटर पर शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू करने को लेकर किया हंगामा। तो आइए पूरा मामला देखते हैं, इसमें क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ मुजफ्फरपुर जूनर छपरा बालिका उच्च विद्यालय सहित कई स्टडी सेंटर पर शिक्षकों ने प्रशिक्षण शुरू करने को लेकर हंगामा किया। हंगामा में नोकझोंक के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकी। एनआईओएस का डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण कहीं शुरू हुआ तो कहीं नहीं। प्रशिक्षण को लेकर अधिकांश स्टडी सेंटर पर वाहपोह की स्थिति रही, क्योंकि एनआईओएस की ओर से स्टडी सेंटर को किसी तरह का गाइडलाइन जारी नहीं किया गया। कहा गया जा रहा है यहाँ पर कि शिक्षकों का यही कंप्लेन है इस पर कि हम लोग को स्टडी सेंटर को लेके कोई गाइडलाइंस या किसी भी प्रकार का कोई हमें उतना बेनिफिट नहीं मिला, तो उसी को लेकर जो है नोकझोंक हो गई थी, जिसके कारण जो हंगामा मची। तो आगे देखते हैं आगे क्या मामला लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखी हुई है, जूनर छपरा बालिका उच्च विद्यालय स्टडी सेंटर पर शनिवार की सुबह 10 बजे से ही अप्रशिक्षित शिक्षकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल के प्रधान अध्यापक से पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। एनआईओएस की ओर से और किसी तरह का निर्देश प्राप्त नहीं था। इसके बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों का गुस्सा भड़क गया, स्कूल के गेट पर हंगामा शुरू कर दिए। इसके बाद स्कूल प्रबंधक ने प्रशिक्षण शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की। अप्रशिक्षित शिक्षकों से आवश्यक कागजात लेने के बाद उपस्थिति बनाई गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षकों ने जो है वहाँ का जो स्टडी सेंटर पर जो वहाँ का मैनेजमेंट थे, जो संभालने वाले थे, जो पढ़ाने वाले थे, उन्होंने कभी किसी का सही से जवाब नहीं दिया, जिसके कारण से सारे शिक्षकों ने गेट के बाहर जो है फिर से हंगामा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटी था, उस सारा फॉर्मेलिटी को यहाँ पर निभाया गया। आगे देखते आगे क्या जानकारी दी गई। कहीं प्रशिक्षक प्रशिक्षण शुरू तो कहीं नहीं। डीएलएड का प्रशिक्षण कई स्टडी सेंटर पर शनिवार से शुरू हो गया तो कई केंद्रों पर होली के बाद शुरू होगा। विभागीय गाइडलाइन नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न है, जिससे जिले के 71 केंद्रों पर प्रशिक्षण होने हैं। शहर के बीबी कॉलेजिएट विद्या विहार सहित कई केंद्रों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। बीबी कॉलेज के प्राचार्य सुनील कुमार राय
कुमार राय शिक्षक डॉक्टर चित्रंजन कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि नियमित आने की जरूरत है, ऐसा नहीं करने पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उधर विद्या बिहार के प्राचार्य रमेश कुमार सिंह ने स्टडी सेंटर पर आने वाले सभी शिक्षकों का आवश्यक कागजात लेने के बाद उपस्थिति बनवाई ताकि NIS को सूची भेजी जा सके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे केंद्र है जो अभी तक स्टडी सेंटर में अभी तक पढ़ाई उनका स्टार्ट नहीं हुआ, और कहा जा रहा है कि होली के बाद, जैसे होली आपको पता होगा कि होली जो 2 मार्च के आसपास है, तो होली के बाद मतलब कही जा रही है कि होली के बाद जो है स्टार्ट होगी प्रशिक्षण। आगे क्या लिखी है आगे देखते। प्रथम वर्ष में 15 दिन कक्षाएं, DLED के प्रथम वर्ष में DLED सेंटर पर 15 दिनों तक कक्षाएं चलेगी। शनिवार रविवार को कक्षाएं होगी 2 पाली में, स्टडी सेंटर पर पढ़ाई होगी। प्रत्येक सत्र की अवधि 2.5 घंटे की है। 100 प्रशिक्षु शिक्षकों पर 4 साधन सेवी होंगे। NIOS ने 3 फरवरी से 25 मार्च तक प्रथम वर्ष का सत्र निर्धारित किया, लेकिन स्टडी सेंटर के प्रभारी को कार्यक्रम में बदलाव का अधिकार दिया है। फरवरी में तो प्रशिक्षण का सत्र नहीं चलने की संभावना है, क्योंकि 6 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, इसके बाद मैट्रिक की परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी स्टडी सेंटर पर जो भी आपका क्लास होने वाला था, उस क्लास को लेकर जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि इंटर का और मैट्रिक का परीक्षा, जिसके कारण अभी उन लोग का जो है, आप लोग का जो भी शिक्षकों का जो है उसका PCP रोक दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आगे की ओर जैसे ही एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगी फरवरी में, इंटर का और मैट्रिक का उसके बाद ही स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो यह जो थी जागरण की पेपर के न्यूज़ के तरफ से दी जा रही थी, जो कि DLED वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। तो आपको यह जो न्यूज़ में क्या होली के बाद क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या उससे पहले हमारा क्लास होना चाहिए, क्या आप इसके विषय में डिस्कशन देते, आप हमें अपना एडवाइस जरूर आप हमें दें कमेंट के माध्यम से, ताकि हम भी जानना चाहते हैं कि वाकई में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो इसमें प्रॉब्लम हो रही है सारे शिक्षकों को लेकर। तो यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या 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 थिंकिंग है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यह जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 मुद्दा सबसे पहली बात हमको देखने के लिए यहाँ पर मिला कि जो भी आपका PCP का जो भी गाइडलाइन था, यानी कि जो भी स्टार्ट होने वाला, तो होली के बाद स्टार्ट होगा पहला। और दूसरा कि यहाँ पर हंगामा इसलिए मचाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है लोग जो है, यानी कि वहाँ का कोई गाइडलाइन सही से जानकारी नहीं दे रहे थे। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करना ना भूलें। और सबसे खास बात कि आप सभी ने हमारा वीडियो को इतने समय देकर, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो को देखें, हमारे वीडियो को लाइक किए, हमारे वीडियो में कमेंट किए, इन सभी को काम करने के लिए आप सभी को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।